जय श्री कृष्णा। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज क्लास 11 के अनिवार्य हिंदी में अपन अध्याय करेंगे अक्कमा देवी। अक्कमा देवी एक कर्नाटक की कवयित्री थी जिनका जन्म हुआ था 12वीं शताब्दी के आसपास, इनका जन्म माना जाता है। कर्नाटक का एक जिला है शिवमोगा और उसका एक छोटा सा गांव है उडुचरी। शिवमोगा जिला का गाँव है उडुचरी, वहां पर आपका जन्म 12वीं शताब्दी में हुआ था। कहा जाता है इनके संदर्भ में कि ये अत्यधिक सुंदर थी। अक्कमा देवी जो थी बहुत ही अधिक सुंदर थी। इनकी सुंदरता पर मोहित होकर उस समय के राजा ने इनके घरवालों पर उससे विवाह करने का दबाव डाला। तत्पश्चात इनका विवाह उस राजा के साथ हुआ, लेकिन इन्होंने राजा के समक्ष विवाह से पूर्व 3 शर्तें रखी कि यदि मेरी इन 3 शर्तों की पूर्ति जिस दिन नहीं होगी उस दिन मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। और कहा जा रहा है कि उस राजा ने वो शर्तों की पालना पूर्ण रूप से नहीं की, तो अंततः अक्कमा देवी ने उनका त्याग करके सन्यासियों की भांति जीवन यापन करना प्रारंभ कर दिया था। इनकी और मीरा की कहानी लगभग लगभग एक जैसी बताई जाती है। 12वीं शताब्दी में शिव भक्त कवियों में आपका अग्रणी स्थान रहा है। आपने इस आंदोलन को भी आगे बढ़ाया था, शैव आंदोलन को जो था आगे बढ़ाया था। इनके मूल रूप से वचन कहे गए, जो कविताएं कही जो है उनको वचन कहा जाता है। तो इनके 2 वचन अपने पाठ्य पुस्तक में भी दे रखे हैं, जिनका बाद में दिखा देना उन्होंने कन्नड़ में था, लेकिन केदारनाथ सिंह ने इसको इंग्लिश में किया ट्रांसलेट और उसके बाद इसे हिंदी में आए। इनके 2 वचन काफ़ी फेमस है, एक तो इंग्लिश में है और एक हिंदी में। हिंदी में है उसका नाम है वचन सौरभ, और इंग्लिश में जो लिखा है उसका नाम है स्पीकिंग ऑफ शिवा, स्पीकिंग ऑफ शिवा। ये 2 वचनों की इनकी मूल रचना है। अपने यहाँ जो 2 वचन दे रखे हैं उनमें पहले वचन में कवित्री ने ये बताया है कि हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना चाहिए, वश में रखना चाहिए, अपनी इंद्रियों के अधीन नहीं होना चाहिए। तो कैसे बताती है, बड़े सहज और सरल रूप में बात अपनी रखी गई है। और दूसरे वचन में ये बताया है कि मनुष्य जीवन बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है, इसमें किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि अहंकार आ गया तो ईश्वर प्राप्ति में वो बाधक होगा, इसलिए वो प्रार्थना करिए प्रभु से कि मेरे अहंकार को नष्ट कर दो। अक शब्द का कन्नड़ भाषा में अर्थ होता बहन। तो बहन माँ देवी का पहला वचन, पहले वचन में कह देते हैं कि हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत। हे भूख, तू ज्यादा व्याकुल मत हो, मचलना व्याकुल होना। भूख से आदमी जब व्याकुल होता, भूख से व्याकुल होगा तो आदमी क्या करेगा, खाने की तरफ दौड़ेगा। कवियत्री यहां कह रही है तू ज्यादा मत मचल, चंचल मत बन, प्यास तड़प मत, प्यास को लेकर के भी तू ज्यादा मत तड़पा। ये मनुष्य के शरीर की स्वाभाविक क्रिया है जिनको उत्पन्न होने से मनुष्य उस चीज की चाह करता है। भूख होने पर वो खाने की चाह करता है, प्यास होने पर वो पानी की चाह करता है। लेकिन कवियत्री कह रही है कि मैं इनको दबा दूंगी, मैं इनके अनुसार नहीं चलूंगी। भूख लग गई खाना खा लो, प्यास लगी पानी पी, हाँ जब मेरी इच्छा होगी तो खाऊंगी, मेरी इच्छा होगी तो पानी पीऊंगी, उनके अधीन नहीं रहूंगी, ये मेरे अधीन रहनी चाहिए। तो भूख से कहती कि भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल। हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल। नींद आ रही है तो मनुष्य क्या करेगा, स्वाभाविक सोना। क्रोध आएगा तो क्या होगा, आवेश में आएगा। ये सारी प्रक्रिया, ये सारी क्रिया एक सामान्य मनुष्य में क्या होती है, स्वाभाविक होती है। इनके उदय होने से ये सारे कार्य संपन्न होते हैं। नींद आने पर मनुष्य बिस्तर में लेटने के लिए जाएगा, क्रोध आने पर उसके भीतर के उद्देश्य भाव है वो बाहर आएंगे। लेकिन ये कवियत्री कह रही कि ये सब चीजें मत हो, मैं इनके अधीन नहीं हूँ। क्रोध आ गया तो आ गया, नींद आ गई मैं सोऊंगी नहीं, मैं इनके विपरीत आचरण करूंगी, इनको अपने वश में करूंगी। यानी कि मेरी इच्छा होगी तो सोऊंगी, मेरी इच्छा नहीं होगी भले कितनी नींद आती रही मैं नहीं सोऊंगी। हे मुंह, मुंह कहते प्रेम लगाओ, हे मुंह पास अपने ढील, पास यानी बंधन जकड़,
पाश यानी बंधन, हे मोहपाश अपने ढीले कर। ये जो लगाव है, ये मेरा है, वो मेरा है, ये उसका है, ये उसका, ये जो सांसारिक मोह माया है, इसकी पकड़ ढीली कर। लोभ मत ललचा, ये लोभ मुझे ललचा मत कि ये इकट्ठा कर लूँ, वो इकट्ठा कर लूँ, ऐसा प्राप्त कर लूँ, वैसा प्राप्त कर लूँ, मुझे मत ललचा। हे मत मत कर मत होश, मत कहते हैं नशे को, मत होश करना, नशे में चूर होना। किसका नशा? व्यापकता का नशा, धन का नशा, सुंदरता का नशा, ये सारी चीजों से मुझे मत होश मत कर, नशीला मत कर, ईर्ष्या जला मत। ईर्ष्या राग द्वेष, ईर्ष्या, ईर्ष्या वो गुण जो दूसरे की तरक्की देख करके मन में पीड़ा उत्पन्न होती है, मन में जो जलन उत्पन्न होती है वो कहलाती है ईर्ष्या। हे ईर्ष्या मुझे मत जला, ये जितने भी गुण अवगुण हैं मुझे इन सब से परे रख। क्यों? कि ओ चराचर मत चूक अवसर, चर आचर, इस धरती और आकाश के बीच में जड़ और चेतन, जागृत और निर्जीव, ये सब जो आ रहे हैं, ओ चराचर मत चूक अवसर, तो इस संसार में आया है जीव, तो ये अवसर मत चूक। कौन सा अवसर? ईश्वर प्राप्ति का। इन सारे तत्वों से जो ऊपर कविता ने बात कही है, भूख भी खाना खा लूँ, व्यंजन खा लूँ, वो खा लूँ, मीठा खा लूँ, नमकीन खा लूँ, ठीक है नी, नींद में सो जाऊँ, आराम से रहूँ, वो चीज़ प्राप्त कर लूँ, धन दौलत वैभव कर लूँ, घमंड कर लूँ, ये सारी चीज़ें बाधक है। किसमें बाधक है? ईश्वर की प्राप्ति में बाधक है। इसलिए ये संदेश मैं आपको दे रही हूँ, आई हूँ संदेश लेकर चन्द्रमल्लिका अर्जुन का। चन्द्रमल्लिका अर्जुन शिव का नाम है, भगवान शिव का मैं ये संदेश लेकर आई हूँ कि ये मनुष्य जन्म बड़ी दुर्लभता के साथ मिला है, तो अपनी इंद्रियों के वश में न होकर आप इंद्रियों को अपने वश में कीजिए, तत्पश्चात ईश्वर प्राप्ति में आपके वो साधक होगी, सहायक होगी। दूसरा वचन इसमें भी उसने कहा है कवियत्री ने कि मुझे मेरा जो घमंड है, गर्व है, उसको दूर कर। मनुष्य को जब गर्व होने लगता है किसी भी चीज को लेकर के, जब घमंड होने लगता है तो वो उसकी प्रगति में बाधक होता है। तो यहाँ कवियत्री की प्रगति क्या है? उसे ईश्वर की प्राप्ति करनी है। इस ईश्वरी प्राप्ति में घमंड उसका कहीं बाधा उत्पन्न न कर दे, इसलिए वो ईश्वर से यह निवेदन कर रही है, यह आग्रह कर रही है कि हे ईश्वर आप मेरे सर्वप्रथम गर्व को चूर कर दीजिए, घमंड को तोड़ दीजिए, ताकि आप तक पहुंचने का मार्ग मेरे लिए सहज हो सके, सरल हो सके। तो इसमें क्या कहती है कवियत्री कि हे मेरे जुई के फूल जैसे ईश्वर, हे मेरे जुई के फूल जैसे, जुई के फूल कोमल होता है, नाजुक होता है, तो कवियत्री कह रही कि मेरा ईश्वर भी कैसा है? कोमल है, नाजुक है। हे मेरे जुई के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भी। सामान्यतः मनुष्य ईश्वर से मांगता तो क्या मांगता है? लाख रुपए की लॉटरी लगा देना भैया, दो तीन मंजिला महल दे देना, अच्छी नौकरी दिलवा देना। लेकिन यह कवियत्री क्या मांग रही है? मंगवाओ मुझसे भीख, मुझसे तो आप भीख मंगवाओ। भीख मंगाने का तात्पर्य है कि सब कुछ है और भीख मंगे की इज्जत नहीं होगी। जब मैं भीख मांगूंगी तो मेरा घमंड अपने आप ही चूर हो जाएगा। तो मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो, भीख मांगते समय भी कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, मैं भूल जाऊं मैं एक राजा की पत्नी थी, धन दौलत ऐश्वर्य मेरे पास था अपार, मैं ये सारी चीजें भूल जाऊं और मैं केवल भिखारी की भांति भीख मांगती हूँ। मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, फिर झोली फैलाऊ और न मिले भीख। अब भीख मांगने पर यदि मिलती गई तब भी क्या होगा? घमंड हो जाएगा। क्यों घमंड हो जाएगा? इसको तो मिलती नहीं, मेरे को तो मिलती, घमंड किसी बात का हो सकता है? उस भिखारी को कोई भीख नहीं देता, मेरे को बहुत सारी भीख मिल जाती है, चार दिन नहीं भी जाऊँ मांग में तब भी मेरा तो गुजर बसर हो सकता है, इस बात का भी घमंड हो जाएगा। तो कभी इतनी क्या लिखे लिए कि झोली फैलाऊँ और ना मिले भीख, पहले तो भीख मांगने जाऊँ फिर मैं अपनी झोली फैलाऊँ और भीख मुझे नहीं मिले, तो घमंड जो है वो और चूर हो जाएगा, बाकी वालों को ढूंढा मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा। इसके साथ और ज्यादा क्या करिए कि कोई हाथ बढ़ाए देने को, कोई भीख देने के लिए हाथ बढ़ाए तो वो गिर जाए। कोई रोटी मुझे दे रहा हो देने के लिए, हाथ आगे बढ़ाए और रोटी मेरी झोली में ना आकर कोई जमीन पर गिर जाए। अब गिरी हुई रोटी को यदि कोई उठाएगा तो उसका घमंड कहाँ बचा? गर्व बचता है? नहीं बचेगा। ये तो वो लोग हैं जो गिरी हुई रोटी को भी खा लेते हैं।
ताना सुन सकते हैं, लेकिन घमंड उस बात का, ऐसा कोई गर्व के साथ नहीं कहता मैं गिली रोटी ला गया, कोई लाता है क्या, कोई खाता है क्या, ये गर्व करने वाली बात नहीं है। तो कोई रोटी मुझे दे और वो नीचे गिर जाए, यहाँ तक भी कभी चीज नहीं कहा, हो सकता है इसमें भी कोई घमंड आ जाए तो मेरी तो और बेइज्जती कर देना, और बेइज्जती क्या करना, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने को तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले, और फिर उस रोटी गिरी हुई नीचे गिरी हुई रोटी को भी उठाने का प्रयास करूं तो कोई कुत्ता आए और झपट कर छीन ले मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरी रोटी खाली रहे, इतना मैं सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हूँ, केवल और केवल इसलिए ताकि मेरे भीतर का अहंकार समाप्त हो जाए और प्रभु प्राप्ति की राह में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए। तो ये कविता आपके यहीं पर समाप्त होती है, अगली कविता अपन जो है कल करेंगे, और आपको रोज की बात ही इसके प्रश्नोत्तर करके मुझे जो नंबर है इसी नंबर पर सेंड करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।